सरकार के तीन कृषि अध्यादेशों के खिलाफ आढ़तियों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि करनाल की नई अनाज मंडी में आढ़तियों ने हड़ताल कर तीन अध्यादेशों के खिलाफ धरना दिया। आढ़तियों ने कहा कि सरकार किसान आढ़ती व मजदूर विरोधी है। केंद्र सरकार ने इन अध्यादेशों को लागू किया है। जिस तरह से पंजाब सरकार ने इन अध्यादेशों को रद्द किया है, वैसे ही हरियाणा सरकार को भी इसे रद्द करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीन अध्यादेशों के बाद लगातार किसान आढ़ती व राजनीतिक दल सरकार द्वारा लागू किए गए तीन अध्यादेशों का विरोध कर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में किसान संगठन व आढ़ती धरने प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। जहां लोकसभा में कल लागू किए गए अध्यादेशों में से दो बिल पास हो चुके हैं, जिसके बाद सरकार ने अध्यादेशों पर अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन किसान मजदूर व आढ़ती लगातार धरने प्रदर्शन कर अध्यादेशों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसको लेकर आज करनाल की नई अनाज मंडी में आढ़तियों ने मंडी में हड़ताल करके अनिश्चितकालीन धरना दे दिया है। मंडी आढ़तियों ने कहा कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेगी, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। सरकार से अपील करते हुए आढ़तियों ने कहा कि जिस तरह से हमारा व्यापार पहले चलता था, उसी तरह से होना चाहिए। फिलहाल धरने प्रदर्शन का दौर चला हुआ है, आने वाले दिनों में भी शायद किसान व राजनीतिक दल लागू किए गए तीन अध्यादेशों को लेकर सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त कर सकते हैं। किसान विरोधी और आढ़ती विरोधी मजदूर विरोधी है। हम कह रहे हैं कि जो सेंटर इसके पीछे लगी है पास करने के लिए, बिल्कुल गलत है। और जो सेंटर करती है तो ये स्टेट्स के अंडर आता है एग्रीकल्चर का, तो जो जैसे पंजाब ने इसको अध्यादेश को रद्द किया है, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट को भी इसको रद्द करना चाहिए। इधर सरकार तो ये सोचती है ना, जो हमने कह दिया बस वही पत्थर की लकीर है, स्टेट गवर्नमेंट को कर देना चाहिए। हम कब कहते हैं तो केंद्र सरकार ने, हम तो कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट वापस ले ले। आज तक जो हड्डी, इसको बोलते हैं हड्डी राजा, जो राजा हट करता है ना वो ख़त्म हो जाता है। राजा को देखना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। सरकारें जो होती है जनता के को उसके रखवाली के लिए होती है, उसके अच्छे अच्छे कानून बनाने के लिए होती है, इन्हें ऐसे हट के लिए नहीं होती सरकार। हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन की तरफ से आज 18 तारीख से लगातार अनिश्चितकाल के लिए सभी मंडियां, हरियाणा की सभी मंडियों को बंद कर दिया गया है। जो तीन अध्यादेश सरकार ने पेश किए हैं किसान आढ़ती विरोधी हैं, और उसमें किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जबकि सरकार कहती है कि इससे किसानों का की इनकम डबल हो जाएगी। जबकि आज यदि सरकार देखें तो हरियाणा की मंडिया के अंदर धान का रेट जो 1500 पिछले साल 2600-2700 बिक रही थी, आज वो 1500-1600 बिक रही है। किसान को आज कम से कम 10,000 रुपये प्रति एकड़ का नुकसान हो रहा है। और आज पीआर जो अगेती पीआर होती थी पिछले साल वो 1700-1800 बिक रही थी, आज वो 1200 बिक रही है, उसमें भी 20-25,000 रुपये का प्रति एकड़ नुकसान हो रहा है सर किसान को। जबकि किसान की इनकम पहले डबल करने के चक्कर में आज उसको आधा रह गया। इसको हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारा व्यापार जैसे पहले चलता था ऐसे ही चलता। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।